हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा। मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज बात करने वाली हूँ इन्फोर्समेंट ऑफ दी कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर, मतलब कि कंज्यूमर कोर्ट से ऑर्डर तो आ गया लेकिन अब उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। मतलब कि जिसके फेवर में ऑर्डर आया है, मान लीजिए उसको अभी तक विद इन टाइम लिमिट, मतलब जितनी कंज्यूमर कोर्ट ने दी थी ऑपोजिट पार्टी को कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपको जो है वो इतना अमाउंट जो है वो कंप्लेनेंट को देना है, और या फिर गुड्स एंड सर्विस हैं जो भी जिसके अगेंस्ट आपने जो है वो कंप्लेंट कर रखी थी वो आपको डिलीवर करनी है, या कोई और डायरेक्शन जो है वो कंज्यूमर कोर्ट ने दी है अपनी जजमेंट में, लेकिन जो विद इन टाइम पीरियड था उसमें जो है वो ऑपोजिट पार्टी ने ना तो जो ऑर्डर के अगेंस्ट है कोई अपील फाइल की और ना ही आपका जो अमाउंट था वो आपको दिया। तो उस केस में आपको जो है वो किस तरह से अपना प्रोसेस चलाना है उसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही जिनके फेवर में जो है वो जजमेंट आई है कंज्यूमर कोर्ट की, या फिर इन केस अगर वो फाइल करते हैं कंज्यूमर कोर्ट में केस और उनके फेवर में जजमेंट आती है तो उनको पता होना चाहिए कि उनको अपना अमाउंट कैसे रिकवर करवाना है दूसरी पार्टी से। तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ में उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो ये समझते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर को इतना सीरियसली नहीं लेना है, मतलब कि जो इग्नोर कर देते हैं ऑर्डर्स को, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आपके साथ, वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए को शुरू करती हूं। सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि जो कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर आते हैं वो भी जो सिविल कोर्ट की डिग्री आती है बिल्कुल सिमिलर ही डील किए जाते हैं। ये लैंग्वेज हमारी एक्ट बोलती है कि कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है वो सिविल कोर्ट की जो डिग्री आती है, डिग्री जजमेंट आती है, सिमिलरली उनको डील किया जाएगा। जो कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर है उनको किसी भी तरह से जो है वो लाइटली नहीं लिया जाएगा कि ये तो कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर है, इग्नोर भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि जो उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसा ही चलता है जिस तरह से सिविल कोर्ट के जो ऑर्डर आते हैं, और उनको कोई जो है वो इग्नोर करता है, मतलब उसके हिसाब से उनको फॉलो नहीं करता है ऑर्डर या जजमेंट के हिसाब से, तो जो पनिशमेंट उनको दी जाती है उसी तरह से हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी कुछ पनिशमेंट है जो पार्टी है जो कि ऑर्डर को इग्नोर कर रही है, उसके हिसाब से कंप्लाई नहीं कर रही है, उसको दी जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करती हूँ कि आपको जिसके फेवर में ऑर्डर आया है, अगर आपको लगता है कि विद इन टाइम पीरियड, मतलब कि जो अपोजिट पार्टी को टाइम पीरियड दिया गया था जजमेंट में कि जिसके जिस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको आपको अमाउंट देना था या फिर उसको आपको सामान डिलीवर करना था या जो भी डायरेक्शन जो है वो कंज्यूमर कोर्ट से आई थी, उसने विद इन टाइम पीरियड जो है वो उस चीज़ को कंप्लाई नहीं किया, फॉलो नहीं किया, और वो आपकी कॉल्स, आपका जो रिक्वेस्ट है उसको इग्नोर कर रहा है बार बार, और साथ में उसने कोई अपील भी फाइल नहीं करी है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है ऑर्डर से या कुछ भी, वो सिर्फ एक ऑर्डर लेके वो बैठ गया है, उसको लाइटली लेके उसको इग्नोर कर रहा है जस्ट, तो उस केस में आपको जो है वो विद इन टाइम जो टाइम पीरियड आपको उसमें डायरेक्ट किया गया है जजमेंट में उसका वेट करने के बाद आपको एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन जो है वो सेम कंज्यूमर कोर्ट में लगानी है। मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है कि स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, जो भी है वहीं पे आपको जो है अपनी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी है। उसके बाद जो काम शुरू होता है वो कोर्ट का काम है। उसके बाद क्या होता है, आपने एप्लीकेशन डाल दी, उसके बाद शो कॉज नोटिस जो है वो पार्टी को जाता है जो ऑपोजिट पार्टी है। मैं आपको जो है वो तीन सिचुएशंस क्लियर करना चाहती हूँ कि कौन कौन से ऐसी तीन सिचुएशंस होती हैं जब आप अपनी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डालते हो कंज्यूमर कोर्ट में। सबसे पहले तो जो मेन ये इशू आता है कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो ना करना, ये उन्हीं मैटर्स में आता है जहां पे एक्स पार्टे डिसीजन होता है। मतलब कि जब आपने अपना कंज्यूमर कोर्ट डाला था उस टाइम पे जो ऑपोजिट पार्टी है वो कभी भी जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में पेश ही नहीं हुई, मतलब उसने आपके लीगल नोटिस का आंसर नहीं किया पहले, और उसके बाद जो है वो उसने कंज्यूमर कोर्ट के जो समन्स उसको गए हैं प्रेजेंट होने के लिए, उसको जब इन्फॉर्म किया गया कि उसके अगेंस्ट जो है वो केस लगा है, तब भी जो है वो उसने इग्नोर किया और वो प्रेजेंट ही नहीं हुई अपने आप को डिफेंड करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट में। उस केस में क्या होता है कि ये मान लिया जाता है कि जो आपने क्लेम डाले हैं और आपने जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं दूसरी पार्टी के ऊपर वो बिल्कुल सही हैं क्योंकि उन्होंने अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहा, तो वो जो मैटर है वो आपके फेवर में आ जाता है। तो उसको कहते हैं एक्स पार्टी डिसीजन, मतलब वो एक्स पार्टी दूसरी पार्टी नहीं आई तो वो जो आपने बोला था उसी को सही मानते हुए डायरेक्शंस दे दी गई हैं, जजमेंट आ गई है आपको कि आप अपना इतना अमाउंट जो है वो रिकवर करोगे या जो भी लॉस आपको हुआ है आपको किस फॉर्म में जो है वो रिकवर किया जाएगा, वो जजमेंट में आ जाता है। अब एक्स पार्टी जिसके अगेंस्ट आया है वो उसको लगता है कि मैं तो पेश ही नहीं हुआ, जो भी उसने डिसीजन दिया कोर्ट में मैं उसको नहीं मानता, मैं फॉलो नहीं करता और मेरी तरफ से मैं नहीं जानता कि ऐसा कुछ ऑर्डर भी आया है।
तो उस केस में ये तो नहीं हो सकता कि कंज्यूमर जो कंप्लेनेंट है उसके फेवर में जजमेंट तो आ गई, लेकिन अब वो लॉस को कैसे रिकवर करे, वो ऐसे तो नहीं बैठ सकता कि पार्टी की पार्टी जो है वो स्टिल इग्नोर कर रही है, मतलब उसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो क्या, तो इस तरह से जो कंप्लेनेंट है उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ कंज्यूमर कोर्ट जाके, उसने तो फिर अपना टाइम वेस्ट ही किया। नहीं, उसने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, तो वो भी एक सिचुएशन है कि जहाँ पे आप अपनी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डालते हो। दूसरी हो सकती है कि जो दूसरी पार्टी है उसने जो है वो हाफ अमाउंट आपको दिया है जो उसको डायरेक्ट किया गया था जजमेंट में, लेकिन हाफ वो नहीं दे रही है, मतलब जो उसको डायरेक्शंस दी गई थी उसने कुछ फॉलो कर ली है और कुछ उसने इग्नोर कर दी है, उस केस में आप डाल सकते हो। और थर्ड आपका हो सकता है कि वो टोटली उसने जो ऑर्डर है उसको इग्नोर कर दिया, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, ना तो उसने अमाउंट दिया और ना ही वो आपको अमाउंट देने के लिए रेडी है इन फ्यूचर, तो उस केस में भी आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन जो है वो डाल सकते हो। तो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डालने के बाद अब जाता है शो कॉज नोटिस अपोजिट पार्टी को जिसके अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर आता है। फिर क्या होता है कि अब उस शो कॉज नोटिस का या तो रिप्लाई आ जाएगा, मतलब या तो जो है वो पार्टी वो एक सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स दे देगी उसका कि उसने क्यों अभी तक जो है वो कंप्लाई नहीं किया ऑर्डर को, क्यों अभी तक फॉलो नहीं किया, एक वैलिड रीजन भी हो सकता है कि क्यों वो अभी तक नहीं कर पाई। तो उस केस में क्या होता है कि कोर्ट भी जो है वो उसको थोड़ा सा टाइम पीरियड और प्रोवाइड कर देगा और उसको बोलेगा कि चलो ठीक है, हम आपका जो टाइम लिमिट है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके आपको ये बोल सकता है वो कि आप इतने टाइम के अंदर आप जो है वो इस ऑर्डर को जो है वो कंप्लाई कर लें। लेकिन ये भी हो सकता है कि फिर से इग्नोर किया जाए, जो कंज्यूमर कोर्ट से उसको शो कॉज नोटिस आया उसका फिर से रिस्पॉन्स ना दिया जाए, तो उस केस में फिर उसके बाद पुलिस का काम शुरू होता है। उस केस में फिर पुलिस जाती है उस एरिया की और उस पर्सन को जो है वो डिटेन किया जाता है और कंज्यूमर कोर्ट में पेश किया जाता है। तो दो सिचुएशन होगी कि जहां पे उसने सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स कर दिया, अपना उसने एक रीजन बता दिया, ये हो गया। दूसरा हो गया कि उसने जो है वो फिर से इग्नोर कर दिया, टोटली उसने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो उस केस में भी मैंने आपको बता दिया कि उस केस में फिर पुलिस जो है वो उसको जो है वो डिटेन करके उसको पकड़ के कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो पेश करती है। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है और उसमें जब उसको पूछा है कि भाई क्यों आप जो है वो इग्नोर कर रहे हो, तो उस केस में अगर उसका रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री है तो चलो उसको टाइम पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं है तो उसका प्रोसेस भी फिर सेम ही चलता है। उसमें क्या होता है कि या तो आपको बेल ग्रांट कर दी जाती है उस दिन कि चलो ठीक है आपको हम बेल दे रहे हैं इस उसमें कि आप जो है वो इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो अब कंप्लाई कर दोगे, अब जो है वो जो आपका अमाउंट बनता है वो अमाउंट भी और साथ में उसको थोड़ी बहुत पेनल्टी डाल के जो है वो टाइम दे दिया जाता है, उसको बेल ग्रांट कर दी जाती है कि ठीक है आप कंप्लाई कर दें और इतने टाइम के अंदर अंदर जो है वो सारी डायरेक्शंस को फॉलो करके इस चीज़ को ख़त्म करें। अगर वो फिर भी कंप्लाई नहीं करता है, उसके बावजूद भी अगर वो फॉलो नहीं करता है, मतलब कि जो उसको अमाउंट देना था उसको फॉलो नहीं करता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको एक नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू किया जाता है उसके अगेंस्ट। और उसमें क्या होता है, जो नॉन बेलेबल जो वारंट होता है उसमें क्या होता है कि उसको जो जेल हो सकती है वो एक महीने की भी हो सकती है और वो एक्सटेंड करके 3 साल तक भी जा सकती है, ये डिपेंड करता है टोटली हमारे कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर। तो ये तो पनिशमेंट का प्रोविजन है, मतलब पनिशमेंट जो है वो उसको फाइन भी हो सकता है, फाइन जो है वो 25,000 से लेके 1,00,000 तक उसको हो सकता है और इम्प्रिजनमेंट जो है मतलब जेल उसको 1 महीने से लेके 3 साल तक की हो सकती है। ये तो उसको पनिशमेंट देने के लिए जो है वो प्रोविजन्स हैं। तो इन प्रोविजन्स के बाद प्रोविजन आता है कि आप अपना जो अमाउंट है मतलब जो अवार्ड होल्डर है उसको उसका अमाउंट कैसे रिकवर करेगा वो, क्योंकि उसको क्या लेना देना अगर वो जेल भी जा रहा है, जेल तो उसको भेज रहे हैं कि उसको उसने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं किया, उसका जो अवार्ड होल्डर है उसको उसका पैसा कैसे मिलेगा। तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट क्या करता है कि जो सेम एरिया का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी वहां पे टर्म यूज की जाती है उनको जो है वो ड्यू सर्टिफिकेट मतलब एक नोटिस भेजा जाता है कि ये मैटर है, इसमें इतना अमाउंट जो है वो रिकवर करना है, मतलब उसका पूरी डिटेल दी जाती है। और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फिर उसके बाद एक ऑफिसर अपॉइंट करता है या फिर उन कामों के लिए अगर कोई डेडिकेटेड ऑफिसर ऑलरेडी हो तो उसको जो है वो भेजा जाता है अमाउंट रिकवर करने के लिए उस ऑपोजिट पार्टी से। तो ऑपोजिट पार्टी के पास अगर पैसा हो तो वो दे सकती है, अगर नहीं है तो उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको अटैच किया जाता है और उसके बाद उसका ऑक्शन किया जाता है, मतलब उसकी नीलामी की जाती है और उस नीलामी करने से जो पैसा कलेक्ट होता है उससे जो है वो अमाउंट जो भी बनता है अवार्ड होल्डर का वो उसको दिया जाता है और बाकी जो अटैचमेंट है बाकी जो बनता है वो वापस जो है वो कोर्ट में सबमिट हो जाती हैं चीज़ें।
तो ये सारा प्रोसेस है जब आप कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो फॉलो नहीं करते हो, या जो लोग ये सोचते हैं कि ऑर्डर तो आ गया लेकिन अब हम अपना जो अमाउंट है, अपना जो कॉम्पनसेशन है, उसको रिकवर कैसे करें। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ एक एप्लीकेशन मूव करोगे, उसके बाद वाला सारा काम कंज्यूमर कोर्ट का है। बस आपको हियरिंग पे जो है वो टाइमली अटेंड करना है और उनको बताना है कि स्टेटस क्या चल रहा है। तो इसके बाद का काम कंज्यूमर कोर्ट का रहता है और आपको आपका जो पैसा है वो रिकवर हो जाता है। मोस्टली ये वाले इशू नॉन कंप्लायंस वाले तभी आते हैं जब एक्स पार्टी डिसीजन आता है, क्योंकि पार्टी सोचती हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि कोर्ट में क्या चल रहा है, तो ऑर्डर जो मर्जी आया हो हम क्यों उसको फॉलो करें। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी एक मिली हो कि जो कंज्यूमर कोर्ट के डिसीजन भी हैं उनको लाइटली नहीं लिया जाता, मतलब वो भी एक लॉ ही है, जस्ट एक अलग से कमीशन बनाया गया है ताकि ये जो कंज्यूमर्स के मैटर होते हैं इनको अलग से और थोड़ा सा जल्दी जो है वो सुन के इनको खत्म करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ऐसे नहीं तो सिविल कोर्ट्स पे बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है और सालों साल केस लटक जाते हैं। तो कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर्स को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए अंडर लॉ, इसके लिए जो है वो अलग से कमीशन जो है वो बनाए गए थे। तो आई होप आपको जो है वो वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज कमेंट करके बताना। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।